नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। सीतामढ़ी से संजय गुप्ता के साथ रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। आज हमारे पास वी न्यूज 24 के पास अन्हारी पंचायत के अन्हारी गांव से कुछ लोगों ने फोन किया था और बताया कि गांव में महाराष्ट्र से चल करके कुछ लोग आए हुए हैं जिनको गांव में प्रवेश करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है और उन्हें गांव के ही बाहर बने एक स्कूल में रखा गया है। जब आकर हमने यहां पर पड़ताल किया तो पाया कि करीब 15-16 गाड़ियों में, जो कि टेम्पू है और एक निजी चार चक्का वाहन भी है, सभी महाराष्ट्र नंबर है, इसमें भरकर तकरीबन 50 से 52 लोग, जिसमें कि महिला पुरुष और बच्चे भी हैं, सभी शामिल हैं, कुछ इसमें विकलांग भी हैं, सब एक साथ चलकर वहाँ से आए हैं। और जब यहाँ पर हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं, हमें गांव में प्रवेश करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है, गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। रास्ते में एक जगह इनका टेस्ट किया गया था, कोरलहिया में टेस्ट का पेपर भी है इनके पास, और वहाँ से चलकर जब ये अपने ब्लॉक रीगा ब्लॉक में पहुँचे, रीगा ब्लॉक में जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर भी इनका टेस्ट किया गया है और टेस्ट करके एक पेपर दिया गया है इनको। लेकिन ये प्रशासन सरकार की लापरवाही समझे या प्रशासन की चूक कि इन्हें रीगा ब्लॉक में या रीगा में ही किसी स्कूल वगैरह में, धर्मशाला में, कहीं पे भी इन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है, 15-16 गाड़ियों की है, जो कि टेम्पू है, इसमें भर करके लोग आए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, किन कठिनाइयों का सामना करते हुए लोग यहाँ पे आए होंगे। जो लोग यहाँ पे सफर करके आए हैं, कुछ तो ड्राइवर हैं, कुछ मजदूर तबके के लोग हैं, कुछ होटल ढाबों में काम करते थे, कुछ किसी छोटे मोटे दुकानों में काम करते थे। इनका कहना है कि बहुत कठिनाइयों का सफर करके हम आए हैं, 5 दिन का हमने सफर किया है, जिसमें कि 2 दिन हमें भूखा भी रहना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो पैसे थे उन पैसों का हमने तेल डलवाया गाड़ी में, और हमारे पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। रास्ते में जहाँ कहीं भी कोई व्यवस्था होती थी खाने पीने की, जो लोग बांटते हुए मिल जाते थे, उनसे लेकर के ही खाते थे और बच्चों को खिलाते थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे गांव के जिस स्कूल में इनको रखा गया है, ये राजकीय मध्य विद्यालय अन्हारी प्रखंड रीगा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ पे इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना खाने पीने की सही से व्यवस्था है। गांव के लोग ही अपनी तरफ से जो मदद कर पा रहे हैं वो करके इन्हें रखे हुए हैं कि आप 14 दिन यहीं पे रहिए और 14 दिन के बाद ही आपका फिर से हम दोबारा टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद ही गाँव में जाने दिया जाएगा। अब यहाँ से चल करके हम इस पंचायत के मुखिया से भी बात करेंगे कि इन लोगों के विषय में उन्होंने क्या सोचा है, इन लोगों के बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा है। कम से कम 2 हाथ की दूरी बना रहा आप लोग, दूरी बना लीजिए, थोड़ा सा बात समझिए, बना के रहो ना रे, दूरी बना ना, दूर रहो ना, आपस में दूर रहो, उल्टा एकदम झगड़ा रहा, एक जगह मत रहो, ए साइड में दूरी बना ना, साइड है, साइड है, आओ बे गाड़ी के नंबर लगते हैं, नंबर आ जाए गाड़ी अंदर भी। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार। कब आए यहाँ पर आप? यहाँ मैं 13 तारीख को आया। तो पहले कहाँ रहते थे आप? पहले मुंबई में रहता हूँ, नवी मुंबई। मुंबई मुंबई में क्या काम करते थे आप? रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। रेस्टोरेंट में जॉब करते थे,
तो रेस्टोरेंट तो बंद हो गया वहाँ पर काफी टाइम से। उसके बाद आप लोगों को कठिनाई होने लगी क्या? बहुत कठिनाई हुआ, लॉकडाउन होने के बाद 2 महीना बैठ के खाया वहाँ पे। तो आपके साथ कितने लोग आए हैं? लगभग 40 आदमी है टोटल अपने गांव का। 40 से भी ज्यादा लोग हैं? 50 से 52 लोग हैं। तो इसमें महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, वयस्क भी हैं। तो आप लोग जो है वो आए कैसे वहाँ से? वहाँ से हम लोग पहले ट्रेन के बाद ट्रेन का जो अप्लाई किया कुछ रिस्पांस नहीं मिला, फिर मजबूरी में हम लोग को ऑटो से आना पड़ा अपना निजी बस खर्चा करके। हम लोग तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक कार भी है और लगभग 14-15 ऑटो है जो सारा का सारा महाराष्ट्र नंबर है। तो इससे ही सफर करके आए आप? तो चले कब आप वहाँ से? वहाँ से 9 तारीख को 10 बजे चले। अच्छा पहुँचे कब? यहाँ 13 तारीख को मॉर्निंग में 9 बजे पहुँचा। तो कुल मिला के 5 दिन लगा आपको, 5 दिन सफर किए। तो रास्ता में आपको खाने पीने का ये सब तरह का दिक्कत हुआ? खाने पीने का कैसा दिक्कत हुआ? आपके पास पैसा नहीं था या दुकान वगैरह बंद थी? पैसा भी नहीं था और दुकान वकान भी बंद था। जो पैसा था वो तेल वगैरह भराने के लिए खर्च हो गया। तो अभी जो है आप यहाँ आए हैं तो यहाँ पर आपको क्या व्यवस्था मिल रहा है? यहाँ पे हम लोग का जो सरकारी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जो अच्छा। है मेरा मोहल्ला का जो आदमी लोग ग्रामवासी मिल के आप लोगों को सपोर्ट, जो मेरे मोहल्ला का वो ठीक है वही हुआ ना, जो हमारे समाज के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे जैसे तैसे मतलब हो रहा है कुछ क्या लोग अपना हेल्प किया। अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप लोग जब वहाँ से आए हैं तो रास्ता में कोई प्रशासन आपको किसी तरह का टॉर्चर किया या कोई जाँच उच के लिए जाँच उच करवाया वहाँ पे? मुजफ्फरपुर से आगे थोड़ा निकले ना झप्पा साइड, सभी लोगों का जांच हुआ? तो जांच होने के बाद उन लोगों ने क्या कहा? उन लोग बोला घर पे क्वारंटाइन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ब्लॉक में गया, ब्लॉक में भी वही बोला। तो हम लोग का जो समाज का आदमी वो लोग बोला आप लोग व्यवस्था कराए थे, स्कूल में रहिए आप लोग, हम लोग यही थे। मतलब गांव में आप नहीं गए? नहीं गांव में नहीं गए, हम लोग डायरेक्ट यहाँ स्कूल में। तो गांव में आप खुद नहीं गए या गांव वालों ने मना किया आपको? नहीं नहीं गांव वाले नहीं बोला कि आप चाहते तो घर पे जा सकते। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि आप यहाँ पे रहिए, क्योंकि आप आए हैं तो आपके परिवार के लोगों को भी ये डिस्टर्ब न हो, समाज के लोगों को, ये अच्छी पहल है। और मेरे कहने का मतलब है कि आप रीगा गए तो रीगा में जांच उच हुआ क्या आप लोगों का? तो वहाँ पे कोई पेपर वगैरह दिया? पेपर दिया है, कहाँ है पेपर दिखा सकते हैं? मंगवाइए उसको, एक मिनट एक लाऊंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक लाने से भी होगा। और ये जो है ऑटो रिक्शा आप लोग भाड़ा करके आए? नहीं नहीं खुद का ऑटो है वो चलाते। वो आप लोग जो चलाते हैं जो वहाँ उस भाड़े का भी मान के चलिए भाड़े का है, वहाँ चलाते थे आप और काफी कठिनाई हुई आप लोगों को आने में। तो अब जो है ये यहाँ पर कितने दिन? 14 दिन तो आपको रहना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। तो आपके संबंधित मुखिया कौन है? भिखारी साजी हैं, उनके तरफ से कोई पहल नहीं अभी तक रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन हमने उनसे जब हमको पता चला, वी न्यूज 24 को पता चला, तो हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ गए नहीं हैं लेकिन उनके बारे में हम बात कर रहे हैं सीओ से और बीडीओ से। तो सिर्फ बात करने से तो नहीं होगा, जो हकीकत है इसको दिखाइए, इसको दिखाइए। ये आपको रीगा से मिला है क्या? तो इसमें क्या मतलब कोई तरह का दिक्कत नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, किसी के पास भी दिक्कत नहीं है, ऐसा ही लगभग सभी को है, सबका सेम है। लेकिन सेफ्टी के हिसाब से आपको क्वारंटाइन मतलब यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये क्वारंटाइन का जो स्थिति है वो भारत सरकार पैसा पेमेंट करती है जो आप लोगों पे खर्च होना है, और बिहार सरकार को इसका व्यवस्था करना है अपने स्तर से। तो वहाँ पे क्यों नहीं किया? वहाँ पे हम लोग गए, पूछे तो बोले कि जो निजी वाहन से आया ना उनको मतलब ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। अच्छा जो ट्रेन से आ रहा है उसी को सुविधा दिया जाएगा। अच्छा निजी जो अपने गाड़ी से आया अपने घर में जाकर के 14 दिन का क्वारंटाइन करे। तो यहाँ तो ये बात है ना कि आपने निजी गाड़ी से आया तो निजी से आया या बस से आया या ट्रेन से आया या प्लेन से आया मतलब नहीं, आपने तो आया। अभी इस महामारी के समय में जांच करना सरकार का जिम्मेवारी है और लॉकडाउन है अभी, तो इसमें क्वारंटाइन भी करना है।
तो आपने कहाँ गया था, आप कहाँ गए थे, सीओ के ऑफिस में गए थे या ब्लॉक में गए थे? रीगा ब्लॉक में गए थे। तो वहाँ से कहा गया कि यहाँ पर रहने का आप लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है? स्पष्ट रूप से सभी आदमी बोलिए, बोला गया नहीं व्यवस्था है। हम लोग लड़े भी थे, अगर हम गाँव में नहीं, घर पे नहीं जाते, हम अपने स्कूल में रहेंगे तो हम यही रहेंगे, क्यों जाएंगे यहाँ से? तो बोलता नहीं, अब जाना पड़ेगा, बस कोई व्यवस्था नहीं, नहीं रख सकते। एक रात रख के कॉल होके न, हाँ एक रात रख के जैसे आज गए, कलियों का छोड़ दिया, कलियों का बोलता है कि जाने को रखा था, कुछ आने को रख दिया। उसके बाद अभी लगभग आप 50-52 आदमी हैं यहीं पे हैं, आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है ना? कोई तरह का दिक्कत नहीं है सर, खाने पीने का ये है, और ये गाड़ी से सफर करके आए हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। आप लोग इतना बड़ा झेले बाल बच्चा के साथ में, ये तो बहुत कठिनाई हुआ नहीं आप लोगों को? बहुत ज्यादा कठिनाई। चलिए, हमें तो पता चला है, बी न्यूज 24 को किसी ने फोन किया था कि ऐसा ऐसा स्थिति है, तो आज ही हमको फोन हुआ है, तो हम अपने टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। अब आपका तो दुख समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका दुख दर्द जो है हम बांट सकते हैं, और आपकी बातों को हम अपने चैनल के माध्यम से, बी न्यूज़ 24 के माध्यम से सरकार तक, आपके प्रतिनिधि तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, है ना? यही आप लोगों के साथ मेरा अनुरोध है कि धैर्य बना के, और चूंकि ये महामारी का समय है तो आप लोग भी यहाँ पे हैं, तो सभी आदमी मास्क का प्रयोग कीजिए, जैसा कि हम देख भी रहे हैं आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, और बार बार हाथ धोइए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, और गर्म पानी आप लोग सभी आदमी यूज कीजिए, अभी के समय में चाय अधिक पीजिए और गर्म पानी, और बार बार साबुन से हाथ धोइए, मेरा यही आपसे इंतजा है, अनुरोध है। थैंक यू। मुखिया जी, आप इस अन्हारी पंचायत के मुखिया हैं, आपके गांव से हमारे बी न्यूज 24 के पास आज फोन गया था कि अन्हारी गांव में जो स्कूल है, विद्यालय है, उस विद्यालय में महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हुए हैं जो ठहरे हुए हैं, तो हमने जाकर के वहां पे पता किया है, तो पता चला है वो सभी प्रवासी मजदूर हैं, कुछ ऑटो चालक हैं, कुछ दुकान वगैरह में काम करने वाले श्रमिक हैं, तो उनकी जो रहने की व्यवस्था है वो किस तरह से है? देखिए, वो लोग जब महाराष्ट्र आया तो हम लोग पूरा सहयोग के साथ उसको रीगा अस्पताल में भेजा गया, जहाँ से उसको यहाँ पूरा जांच कर और अपने होम क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया, और सीओ कहा से जो भी ट्रेन से आएगा उसी को इसमें रखना है, सरकार का आदेश है, से हम आप निजी गाड़ी से आए हैं इसलिए हम नहीं रखेंगे, आप जाइए घर पर ही होम क्वारंटाइन सेंटर बना कर रहिएगा। उसके बाद वो लोग यहाँ आया और अब गाँव के लोग उस गांव में टपे नहीं दिया, तो हम लोग कहे से गांव में नहीं रहने दीजिएगा तो स्कूल में ही रहने दीजिए, स्कूल में वो लोग को गांव में व्यवस्था किया गया, जनरेटर गांव की तरफ से पूरे सब व्यवस्था किया गया, और गांव का ही हम लोग सहयोग से, गांव का ही एक चिमनी मालिक है उसके सहयोग से, और सारा जनप्रतिनिधि, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सब के सहयोग से उसका माने वहाँ बनाया गया है, वहीं रख रहा है, और उसका सारा भोजन व्यवस्था सब वहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। हमने सीओ साहब से बार बार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं से नहीं हम वहाँ कुछ नहीं अभी कर पाएंगे, कभी मोबाइल बंद हो जाता है, कभी मोबाइल नहीं उठाते हैं, हम ये कंप्लेन सीओ साहब तक और जिला पदाधिकारी तक अपने लेटर पर माध्यम से भेज दिया हूँ, और अस्थायी विधायक अमित कुमार टूना से भी बात की है, तो वो कह रहे हम अभी बाहर फंसे हुए, हम कल एक दो दिन में आ रहे हैं, उसके बाद हम अपना समझेंगे और थोड़ा बात करेंगे और क्या उसका व्यवस्था है, यही तो बात है। नहीं तो जो अभी लोग आपके यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोगों ने ठीक है बहुत ही अच्छी पहल है, एक मिसाल कायम किया है आप लोगों ने कि सभी लोगों को एक विद्यालय में एक जगह एकत्रित करके रखा है, और हम देखे हैं वहाँ पर कि लोग मास्क का भी यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन यहाँ पे जो खाने पीने की इनकी व्यवस्था है वो किस तरह से है? देखिए, खाने पीने की व्यवस्था गाँव के ही लोगों से है, सबके सहयोग से है, वैसे अभी तत्काल हम पप्पू भैया है जो उसको बोल दिए हुए हैं, और से आप उसका व्यवस्था आप तो चीनी मालिक के तत्काल कीजिए, हमारा एक पंचायत 5 गांव है, हम थोड़ा बिजी अपने बिजी में है, मेरे गांव में भी लोग आ रहा है उसका देख रेख में, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ताले भैया वो पप्पू भैया अपना कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी उसका कोई भी व्यवस्था कमी नहीं है, अच्छा व्यवस्था से होम क्वारंटाइन से हो रहा है, और सबको सुबह चाय जो भी वगैरह मिलता है सब मिल रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।